रजब की कोई खबर आई है क्या? सच बताऊं तो अभी तक कोई खबर नहीं आई, लेकिन उसकी होटल रिजर्वेशन का पता चला है और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मैं संभाल रही हूँ सब, तुम फिक्र नहीं करो, मिल जाएगा वो। एनीवेज, अब हमें ये डिसाइड करना है कि आज शाम हम औजान की जान कैसे निकालेंगे। ठीक है, करते हैं। देख लेते हैं कि मिस्टर औजान नाजली को चाहता कितना है। देखते हैं। ज़ैनब, क्या तुम आई हो? अरे पुप्पू, आप यहाँ क्या कर रही हैं? एक लड़के के कमरे में आप ऐसे अचानक से कैसे आ सकती हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो, गैर शादीशुदा आदमी के कमरे में यूँ आ जाना सही नहीं, लेकिन ना तो तुम गैर शादीशुदा हो और ना ही आदमी। चलो खैर, ये तो मेरे दिल की बात है, आगे कुछ नहीं कहूँगी। पुप्पू, मैं बहुत जल्दी में हूँ, बाद में बात करते हैं इस बारे में। मेरी बात सुनो, तुमने मेरी बेटी नाजली को क्या कहा है सबके सामने? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं? तुमने कहा ये नौकरी ढूंढने आई है? हाँ, गरीब है बेचारी मेरी नाजली बेटी। एक बार फिर तुमने सबके सामने नाजली का सर नीचा किया। हाँ, मैं नाजली से माफी मांग लूंगा, बस ये डिनर हो जाए, खुद जाकर उससे माफी मांगूंगा। नहीं नहीं, अब ये सब नहीं। आज के बाद अगर तुमने उसकी दहलीज पे कदम रखने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और फिर मैं ये भी भूल जाऊंगी कि तुम मेरे भतीजे हो। सुना, तुम अच्छी तरह जानते हो फिर मुझे जानते हो। हाय फातिमा आपा, खुदा के लिए मेरी जान तो नहीं छोड़ती, ना छोड़े, लेकिन मेरे बच्चों को तो छोड़ दे। आज रात मेरे बच्चे को एक बहुत इम्पोर्टेंट डिनर पर जाना है। खुदा के लिए प्लीज, आप इन घरेलू मामलात में इसे शामिल मत करें, प्लीज। हम पुप्पू भतीजा तो एक दूसरे से बात कर रहे हैं बस, है ना बेटा? तुम हर बात में दखल मत दिया करो दुल्हन, और वैसे भी चूहों की तरह मेरे पीछे मत घूमा करो। जो हुक्म। अच्छा ठीक है, आप दोनों यहाँ से चली जाएं प्लीज, मुझे देर हो रही है और मुझे डिनर पर पहुँचना है, प्लीज जाइए। चलो मेरे भाई, क्या हुआ, फोन नहीं उठा रहा क्या? हेलो औजान, मेरे भाई तुम कहाँ हो? तुम्हें पता भी है कि हमारे साथ यहाँ पे क्या क्या हो गया है? नाजली। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है, नाजली खो चुकी है। नाजली को हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मेरे भाई। इस्तांबुल तो बहुत बड़ी जगह है, समझ नहीं आ रहा, हमें नाजली नहीं मिल रही यार। हाँ कसम से, और हमें तो डर है कि उसके साथ कुछ हो ना जाए, कुछ करो, जल्दी करो। कैसे, उसे कैसे खो सकते हो यार, कैसे खो दिया उसे तुम लोगों ने? अच्छा ठीक है, मुझे बताओ कि आखिरी दफा कहाँ थी वो, मैं खुद जाकर देखता हूँ उसे। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या कहा उसने? कुछ कहा कि नहीं? आ रहा है वो। बहुत शुक्र तेरा अल्लाह। पता, मैं इतना डर रही थी, मुझे लगा माँ मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। मेरी एक बात तुम जरा गौर से सुनो, आइंदा कभी कुछ अकेले करने की कोशिश ना करना, वरना अम्मा को पता चला तो वो तुम्हारे सर पर हांडी फोड़ेंगी, फोड़ेंगी ना? तुम लोगों ने मुझे जासूस समझ लिया है क्या? मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। हाँ, हद करते हो तुम इसमत। हाँ इसमत, उल्टी सीधी बातें मत करो। हाँ, मेरा तो यही मकसद था कि आशिकों की मदद करना, इसी वजह से तो ये सब हुआ। जो भी हुआ हो गया, अब इस बारे में सुबह तक बात करने का कोई फायदा नहीं। हाँ। और वैसे भी औजान साहब रास्ते में है, तो फिर कार्रवाई शुरू की जाए ना। एक मिनट, मुझे एक बात समझ नहीं आई, नाजली इस वक्त कहाँ है, क्या कहेंगे? नाजली इस वक्त यहाँ है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, लेकिन सनम है, वो औजान का मीटिंग में इंतजार कर रही हैं। यार हम उस औजान को कुछ ज्यादा ही तंग नहीं कर रहे हैं, मुझे लग रहा है हम उस बेचारे को खामखाई परेशान कर रहे हैं। फजूल बात नहीं करो मेरे भाई, शुक्र करो कि नाजली ने औजान को मारकर कब्र में नहीं दफना दिया है अभी तक। कह तो सही रहा है। हाँ सही कह रहा हूँ। पता है क्या तुमने इसमें लौंग डाली है? दाढ़ झीनी। पूरी पार्टी में सबकी नजरें सिर्फ तुम पर थी। इजाजत दीजिएगा, मैं जरा औजान को कॉल कर लूं। क्या हुआ यार? यार मक्खन लगाने का भी कोई तरीका होता है। यार मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि औजान लेट हो चुका है, वरना मुझे क्या। चलो यार औजान, चलो उठाओ फोन,
देखते हैं ये गरीब नाजली औसान साहब के जूते घिसवाती है या नहीं। सही कहा तुमने, मुझे आइडिया नहीं था। एक बात समझा दो मुझे, आखिर एक इंसान को तुम लोग कैसे खो सकते हो यार? हाँ बता देंगे वो भी, लेकिन कजन इस वक्त हमें नाजली को ढूंढना होगा, मैं बता रहा हूँ, वरना हम लोग ना बाद में बहुत पछताएंगे। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मेरे ख्याल से। वो तो ठीक है, लेकिन नाजली इतने बड़े इस्तांबुल में जा कहाँ सकती है? मेहमत, अरे मेरे सर से मुसीबतें खत्म नहीं होती यार, तुम्हें वहां मैनेज करना होगा। रुको मेरी बात सुनो, नाजली खो गई है और मुझे उसको ढूंढना होगा। हाँ मैं तुम्हें सब बताता हूँ, लेकिन अभी जल्दी में हूँ, फिर बात करता हूँ, बाय। आपका कहने का मतलब है कि आप मुझे वजह नहीं बता सकते मेहमत साहब? सनम साहिबा, आपके इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। सनम मैडम, आप प्लीज अपना मूड मत खराब कीजिए, हम यहाँ से चलते हैं, एक एक ड्रिंक लेते हैं और मिलकर एंजॉय करते हैं। चलो फाजिल, हम चलते हैं। केयरलेस लोगों की वजह से हम अपना टाइम और अपना मूड बर्बाद नहीं कर सकते, ठीक है फाजिल? फाजिल डियर, तुम्हें वो बार बहुत पसंद है ना? बहुत याद है मुझे। चलो चलते हैं फिर। चलो ओके, मिलते हैं। अरे भाई, ये सनम साहिबा लोग कहाँ जा रहे हैं? और शायद थोड़ा गुस्से में भी थी। इंजॉय करने के लिए गए हैं, इंजॉय करने मेरे भाई। नाजली जी, माफ कीजिएगा मुझे। कोई बात नहीं। सॉरी। ओजान, ओजान, उसे ऐसे ढूंढना नामुमकिन है, या अल्लाह उसे कुछ हो ना गया हो। मैं तैयार हूँ, आ जाओ। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अच्छा रुको, परेशान मत हो तुम, नाजली अकलमंद लड़की है, वो अपनी हिफाजत अच्छे तरीके से कर सकती है, और हो सकता है वो गांव ही वापस चली जाए। हाँ ये बिल्कुल मुमकिन है कि जिस तरह वो आई थी शायद वैसे ही वापस चली गई हो। हाँ यार, बस टर्मिनल, चलो वहां चलते हैं टर्मिनल। हाँ। जल्दी जल्दी करो, आ जाओ। नाजली, नाजली, नाजली। औजान, नाजली कहाँ थी तुम? जानती हो कितना परेशान था मैं। ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, बस अकेले रहना चाहती थी, ऐसे ही। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो यार? क्या मतलब? ऐसे अकेले कैसे जा सकती हो? तुम मुझसे कैसा हिसाब ले रहे हो? क्या तुम मेरी बीवी नहीं हो? मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। हट जाओ मेरे सामने से। अंदाजा है मैं कितना परेशान था, तुम्हारी वजह से मैंने इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ी है सिर्फ तुम्हारे लिए। तो मत छोड़ते, तुम्हें किसी ने बुलाया था क्या? देखो नाजली, ये गांव नहीं है ना ही वैसी जगह है, तुम गांव की तरह यहाँ रात भर ऐसे नहीं घूम सकती हो, समझे? बेहतर होगा मुझसे दूर रहो, किसी ने देख लिया तो शर्मिंदगी होगी। माफ कर दो मुझे, प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम्हारी वजह से शर्मिंदगी नहीं होती है मुझे। बात यह है कि ऑफिस के ओनर्स बहुत सख्त हैं, बहुत ज्यादा, वो किसी को इज्जत नहीं देते हैं, लेकिन वो बॉस हैं और मुझे उनकी बात मानना पड़ती है। तो पर छोड़ तो ना औजान, लो अपनी माँ को बहन को, गांव चलते हैं, सब खुश रहेंगे, क्या तुम ये नहीं चाहते? ऐसा नहीं कर सकता नाजली। क्यों? क्योंकि तुम डरपोक हो,
क्योंकि इस शहर में बड़ी गाड़ियां हैं, खूबसूरत लड़कियां हैं और तुम इनके बगैर नहीं रह सकते। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जब इंसान कोई चीज खोने से डरता है तो वो हर चीज खो देता है। एक मिनट, मुझे फोन उठाना है। हेलो ओजान, मेरे भाई देखो, ये सनम साहिबा है ना, ये फाजल नामी एक आदमी के साथ जा चुकी है। वो बहुत गुस्से में है, तुम जहां भी हो जल्दी से आ जाओ। हाँ मैं आ रहा हूँ, मेरा वेट करना, तुम कहीं मत जाना। नाजली चलो मेरी बहन, हम चलते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? नूरजहां के यहाँ, उसकी नानी का घर है ना। नूरजहां का घर कहाँ है? मैं आना चाहूंगा। ये नामुमकिन है, हम तुम्हें नहीं बता सकते क्योंकि अम्मा ने सख्ती से मना किया हुआ है। नाजली अमानत है, इससे नजरें मत हटाना। अरे यार, I'm so sorry. मुझे लगता है हम फालतू में इधर से उधर जा रहे हैं। अरे बिल्कुल भी नहीं, मेरी वजह से तुम बहुत परेशान हुए। समझो कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ। औजान ने एक दफा मेरे भी एक बहुत करीबी और प्यारे दोस्त का दिल तोड़ा था। आ, क्या वाकई में? हाँ। हाय, यही तो है सारे लड़कों का हाल, सबको तड़पा तड़पा के मार देना चाहिए। अरे नहीं मेरे भाई, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम इनमें से नहीं हो, मैं जानती हूँ।